झलक दिखलो जो झलक दिखलो जो एक बार जो 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 याद है हिमेश भाई ये गाना। अब तो ये गाना आपके ऊपर ज्यादा सूट करे छे क्योंकि आपके तो आजकल दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं भाई। आप कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर ठीक ठाक से तो थे ही, तो आपको ये फिल्मों में अपना थोपड़ा दिखाने की क्या सूझी? बोल बोल चल चल। एक बार तो आईने से उसकी राय ले ली होती तो शायद हमें आपको स्क्रीन पे झेलना ना पड़ता। और तो और जैसे लोग फिल्मों में आते ही नाम के साथ छेड़खानी करते हैं, आपने तो बॉस अपने सरनेम की ही ले ली, मतलब लगा दी, उसमें एक और एम जोड़ दिया, रेशम मिया लाइक किरण। चलिए ये तो आपने दूसरों की देखा देखी कर दिया होगा, लेकिन ये फिल्में रिलीज करने में भी आप न्यूमरोलॉजी को घुसेड़ देते हैं बीच में, इसका क्या चक्कर है? आज तो आपको जवाब देना ही होगा। हो गई ना बोलती बंद। जवाब कैसे देंगे जब आपको अपनी खुद की फिल्मों पे यकीन ही नहीं है, या फिर ये कहें कि आपको जब पता है कि आप कितने पानी में हैं, तो फिर ये न्यूमरोलॉजी ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ आपका बेड़ा पार लगाएगी? अगर इस नंबर के गेम में दम होता रहा बॉस तो अभी तक तो आप हॉलीवुड के स्टार बन चुके होते, ना कि अपनी सड़ेली गलेली फिल्मों के रिलीज के लिए चक्कर काट रहे होते। आपको ये अजीबोगरीब फिल्मों में काम करने का आइडियाज देता कौन है? ये फिल्म आप कैसे बनाते हैं? ऐसे थकेले कॉन्सेप्ट आप लाते कहाँ से? टोपी के नीचे से लगता नहीं है। खैर आपकी टोपी आपका सर, जो भी हो, फॉर द टाइम बीइंग यू स्टे एट नंबर 7।